हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 11 जुलाई 2019 और यह हमारी 193वीं क्लास है। 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों अगर आपको एमपीजी के और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके आंसर जरूर करेंगे। दोस्तों अभी कुछ 2-3 दिन से डेली करंट अफेयर का वीडियो नहीं आया है क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था, खराब हो गया था इसलिए। लेकिन आज से पर डे एक डेली करंट अफेयर का वीडियो अब तक पहुंच जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हाल ही में किस जोन में सबसे लंबी विद्युतीकरण सुरंग बनाई गई है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है दक्षिण केंद्रीय रेलवे। हाल ही में दक्षिण केंद्रीय रेलवे में सबसे लंबी विद्युतीकरण सुरंग बनाई गई है। दोस्तों आपको बता दें विद्युतीकरण जो सुरंग है वह 6.6 किलोमीटर लंबी है और इसका निर्माण 460 करोड़ रुपए में किया गया है। दोस्तों यह है चिरतुपल्ली और रूपारू नामक स्टेशन के बीच इस विद्युतीकरण सुरंग का निर्माण किया गया है। आपको बता दें यह निर्माण न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड के द्वारा किया गया है। दोस्तों आपको भारतीय रेलवे के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें तो भारतीय रेलवे 151,000 किलोमीटर का ट्रैक फैला चुका है, 7,000 स्टेशन है भारतीय रेलवे में, 13 लाख कर्मचारी और 160 वर्षों का इतिहास है। दोस्तों भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में पोरबंदर से ठाणे के बीच चलाई गई थी। तो इतना आपको इस सुरंग के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का वैल्यू कितना रखा है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 3,443 रुपए। हाल ही में भारत सरकार ने सॉवरेन गोल्ड ब्रांड का वैल्यू 3,443 रुपए रखा है और इसे एक निश्चित या बोले तो फिक्स कर दिया है। दोस्तों अब ये गोल्ड ब्रांड होता क्या है इसके बारे में बता दें। इस योजना में न्यूनतम 1 ग्राम सोने का ब्रांड खरीद सकते हैं, जबकि एक जो हिंदू परिवार है या एक व्यक्ति एक वर्ष में अधिकतम 4 किलोग्राम स्वर्ण ब्रांड खरीद सकता है। इसके अलावा जो ट्रस्ट हैं, वो एक वर्ष में अधिकतम 20 किलोग्राम ब्रांड खरीद सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें केंद्र सरकार ने नवंबर 2015 में सॉवरेन गोल्ड ब्रांड योजना लॉन्च की थी। इस योजना का उद्देश्य सोने की मांग में कमी करना है। इस योजना में सबसे छोटा ब्रांड 1 ग्राम सोने के बराबर होता है। तो आपको याद रखना है सॉवरेन गोल्ड ब्रांड की वैल्यू या मूल्य निश्चित किया गया है और वह है 3,443 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है जयपुर। हाल ही में जयपुर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। दोस्तों हाल ही में यूनेस्को के 43वें सत्र में यह घोषणा की गई है। जयपुर के बारे में आपको बता दें इस शहर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1727 ईस्वी में की गई थी। जयपुर अपनी स्थापत्य विरासत और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसका शहर नियोजन प्राचीन हिंदू मुस्लिम मुगल और पाश्चात्य विचारों का संगम है। दोस्तों अब बात आई है यूनेस्को की, तो आपको यूनेस्को के बारे में बता दें। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 में की गई थी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को के हेड हैं आंद्रे अजुलाय। दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों को पहचानने और प्राचीन खंडर गांवों मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों जैसे सांस्कृतिक और विरासत स्थलों को संरक्षण प्रदान करता है, तो इसलिए इसे यूनेस्को नाम दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप जीती है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है। दोस्तों हाल ही में महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप अमेरिका ने नीदरलैंड को
2-0 से हराकर यह जीता है। दोस्तों अमेरिका चौथी बार महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत चुका है। दोस्तों आपको बता दें महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में जो 2019 में हुआ है, तो यह 7 जून 2019 से शुरू हुआ था फ्रांस में और इसका समापन 7 जुलाई 2019 को हुआ है। दोस्तों जो प्रमुख टीम है उनके नाम भी आपको बता दें, तो फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जापान, स्वीडन, ब्राजील, स्पेन, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, चीन, इटली, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, थाईलैंड, अर्जेंटीना, चिली और नाइजीरिया, ये सभी प्रमुख कंट्री हैं जो इस विश्व कप में हिस्सा लिया था। दोस्तों आपको फीफा के बारे में बता दें, तो फीफा की स्थापना 1904 में की गई थी और फीफा का जो मुख्यालय है वह ज्यूरिख में स्थित है। तो आपको इतना इन सभी के बारे में याद रखना है। दोस्तों अब बात आई है अमेरिका की, तो आपको मैप में अमेरिका के बारे में बता दें। मैप में ये जगह अमेरिका को दर्शाती है। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है डॉलर और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इतना आपको अमेरिका के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में अथी वरदार उत्सव मनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु में अथी वरदार उत्सव मनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें साल में एक बार भगवान को निकाला जाता है और पूरे शहर में भ्रमण कराया जाता है। दोस्तों यह परंपरा प्रत्येक 40 वर्ष में आयोजित की जाती है, यानी 40 वर्ष में एक बार भगवानों को जो है भ्रमण कराया जाता है। ऐसा उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है और इसका नाम है अथी वरदार। दोस्तों लास्ट टाइम यानी आखिरी बार 2 जुलाई 1979 में भगवानों को मंदिर से भ्रमण कराया गया था और अब 2019 में इन्हें भ्रमण कराया गया है। दोस्तों अब बात आई है तमिलनाडु की, तो आपको मैप में तमिलनाडु के बारे में बता दें। मैप में ये जगह तमिलनाडु को दर्शाती है। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलान स्वामी और राजधानी है चेन्नई। तो इतना आपको तमिलनाडु के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जलन और प्लास्टिक सर्जरी के लिए किस देश में सबसे बड़ा संस्थान शुरू हुआ है? दोस्तों यहां पर संस्थान है तो इसका सही ऑप्शन है बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश में जलन और प्लास्टिक सर्जरी के लिए सबसे बड़ा संस्थान शुरू हुआ है। दोस्तों बांग्लादेश के ढाका में शेख हसीना नेशनल वर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट हाल ही में शुरू हुआ है। इस संस्थान में 500 बिस्तर, 50 आईसीयू और 12 ऑपरेशन थिएटर हैं। इस संस्थान का निर्माण 500 करोड़ टका की लागत से किया गया है और आपको पता ही है जो टका है वह बांग्लादेश की करेंसी है। दोस्तों अब बात आई है बांग्लादेश की, तो मैप आपको बांग्लादेश के बारे में बता दें। मैप में ये जगह बांग्लादेश को दर्शाती है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका, बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। तो इतना बांग्लादेश के बारे में आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है निर्मला सीतारमण। दोस्तों यहां पर पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री होना था, यहां पर महिला है। तो भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री जो महिला है वो है निर्मला सीतारमण। दोस्तों इन्होंने हाल ही में बजट भी पेश किया है, तो आपको इनके बारे में इतना याद रखना है कि ये भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी को प्रभार दिया गया था और ये वित्त मंत्री बनाई गई थी लेकिन पूर्णकालिक नहीं थी। पूर्णकालिक महिला जो है वह पहली है और इनका नाम है निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में अब खदानों के लीज अधिकारों की खुली नीलामी होगी? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खदानों के लीज अधिकारों की खुली नीलामी होगी। दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार को हाल ही में आदेश दिए हैं कि प्रदेश में अब खदान के लीज अधिकारों की नीलामी खुली नीलामी के जरिए की जाएगी। खुली नीलामी के अलावा किसी अन्य जरिए से लीज अधिकार नीलाम नहीं किए जाएंगे। अगर किए जाते हैं
तो वे अमान्य होंगे। तो आपको याद रखना है, हाई कोर्ट ने हाल ही में, इंदौर बेंच की हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को ये आदेश दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगेंद्र नाथ गुफा किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है रायसेन। रायसेन जिले में मृगेंद्र नाथ गुफा स्थित है। दोस्तों आपको बता दें यह पाटन गांव में स्थित है। अब बात आई है रायसेन की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट रायसेन के बारे में बता दें। दोस्तों रायसेन 5 मई 1950 को अस्तित्व में आया था। रायसेन किला जो बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रायसेन किला राजा राज बसंती द्वारा विकसित कराया गया था। इस महल में 3 प्रमुख महल स्थित हैं, बादल महल, राजा रोहित महल और इत्रदार महल। ये रायसेन जिले में, रायसेन के किले में स्थित है। दोस्तों सांची जो पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अशोक द्वारा बौद्ध स्तूप का निर्माण भी सांची में ही कराया गया है। यूनेस्को जो विश्व विरासत में शामिल है, यह रायसेन जिले में ही स्थित है। दोस्तों भोजपुर जो राजा भोज की राजधानी रहा है, यह भी रायसेन जिले में ही स्थित है। और आपको एक और इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें, भोजपुर में प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित की गई हैं, ये भी रायसेन जिले में ही स्थित है। जीव अभयारण्य भी रायसेन जिले में ही स्थित है। कुमरा गांव जहां से बेतवा नदी का उद्गम स्थल हुआ है, यह भी रायसेन जिले में ही स्थित है। मंडी द्वीप जो भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री लगाई गई है, यह रायसेन जिले में ही स्थित है। तो इतना आपको रायसेन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला सेलिंग स्कूल कहाँ शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है भोपाल। भोपाल में मध्य प्रदेश का पहला सेलिंग स्कूल 2006 में शुरू किया गया था। दोस्तों अब भोपाल की बात आई है, तो इंपोर्टेंट फैक्ट आज मैं आपको नहीं बताऊंगा। दोस्तों आप ये वीडियो पॉज करें और यहां पर जितने भी आपको इंपोर्टेंट फैक्ट याद आ रहे हैं वो आप सोचें और एक बार रिवाइज करें। इसके बाद जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर भोपाल से रिलेटेड आएगा तो उसमें मैं आपको भोपाल के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसलिए आप ये वीडियो पॉज करके जरूर भोपाल के इंपोर्टेंट फैक्ट याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी समाधि उज्जैन में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मत्स्येंद्र पीर की जो समाधि है वह उज्जैन जिले में स्थित है। दोस्तों अब आपको बता दें कुछ और स्क्रीन पर जो नाम दिख रहे होंगे उनके बारे में, उनकी जो समाधि है वह कहाँ कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले बात करते हैं सांख्या राजे सिंधिया की। दोस्तों इनकी समाधि जो है वह शिवपुरी में स्थित है। आप कंफ्यूज मत होना, भले ग्वालियर में सिंधिया राजघराना है लेकिन सांख्या राजे सिंधिया की जो समाधि है वह शिवपुरी जिले में स्थित है। वहीं अगर बात करें बाजीराव पेशवा की, तो दोस्तों इनकी समाधि रावरखेड़ी जो खरगोन जिले में है वहां पर इनकी समाधि स्थित है। वहीं अगर बात करें मल्हार राव होलकर, अब आप इस क्वेश्चन को होलकर खानदान जो इंदौर में है उससे ऐड ना करें। दोस्तों मल्हार राव होलकर की जो समाधि है वह आलमपुर जो भिंड में है वहां पर स्थित है। आलमपुर भिंड में मल्हार राव होलकर की समाधि स्थित है। तो दोस्तों ये चारों क्वेश्चन डिफरेंट हैं, जो किसी भी राजघराने से संबंधित हैं वहां पर इनकी समाधि नहीं है, किसी और जिले में स्थित है। तो इनके बारे में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश वासी हॉकी खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये सभी चारों हॉकी खेल से संबंधित है। शंकर लक्ष्मण रूप सहन, दोस्तों यहां पर मीरे नहीं है, मीर रंजन नेगी और समीर दाद, ये सभी मध्य प्रदेश वासी हॉकी खेल से संबंधित हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन की। तो कल का क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में कौन सी सेवा लॉन्च की गई है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन था जन अधिकार सेवा जो समाधान ऑनलाइन के सेवा के रूप में लॉन्च की गई है, जिसका नाम है जन अधिकार सेवा।
दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में डाकघर में देश का पहला पासपोर्ट कार्यालय शुरू किया गया था। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।